हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और सबसे पहले गुरुजी की तरफ से आप सभी को थैंक यू सो मच, जो आपने हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं रेड ट्रैप। रेड ट्रैप जो फ्लेमिंगो का 4th चैप्टर है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर को लिखा है सलीमा लेगर लॉफ ने। इस चैप्टर की कहानी स्टार्ट होती है एक रेड ट्रैप मेकर से। रेड ट्रैप मेकर का मतलब क्या है कि जो चूहेदानी बेचता है। अब आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंसान चूहेदानी बेचता है तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गरीब थी, और उस पर केवल रेड ट्रैप बेचने से ही उसको इतने पैसे नहीं आते थे कि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। इस वजह से वो काफ़ी सारी चोरियां भी करता था और कभी कभी तो भीख भी मांगता था। उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा फटे पुराने थे, और मतलब कि वो इतना भी खाना नहीं हो पाता था कि जिससे अपनी वो लाइफ का गुजारा कर सके। तो बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था। तो एक दिन क्या होता है कि जब वो रेड ट्रैप मेकर एक दिन ऐसे ही बैठा होता है, तो वो सोचता है कि ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप की तरह ही तो है। यहाँ जिस इंसान को, जैसे लोग हैं, कुछ लोग के लिए चारा सेट करते हैं और वो उस चारे में अट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बंदे को कोई चीज़ चाहिए तो वो उसे ऐसे अट्रैक्ट करके दिखा दें ताकि वो उसके लिए कितने भी पैसे देने को तैयार हो जाए, है ना। तो ये पूरी दुनिया कुछ नहीं, एक रेड ट्रैप की तरह ही है, जहाँ पे लोग दूसरे के लिए चारा डाल रहे हैं रेड ट्रैप की तरह, और वो चारा कुछ भी हो सकता है, पैसा, कपड़े, खाना, और लोग उसमें फंस के एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में। एक दिन क्या होता है कि जो रेड ट्रैप मेकर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और रस्ते से जा रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है कि जो रेड ट्रैप मेकर था वो सड़क से जा रहा होता है, और उसे पास में एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो झोपड़ी को खटखटाता है तो उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकल के आता है, जो काफ़ी सालों से वहाँ पर अकेला रह रहा होता है। तो वो बूढ़ा आदमी उसे अंदर बुलाता है और खाने के लिए दलिया देता है। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अकेला रहता था, अलोन रहता था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि उसके घर पर कोई आया। तो उसने उसके साथ एक गेम भी खेला, जिसका गेम का नाम था जॉलेस। गेम खेला, गेम खेलने के बाद में सामने की दीवार पर उसके कुछ पैसे रखे थे बूढ़े आदमी के, जो उसने काउंट करके वापस रख दिए। दस मतलब $30 रखे थे, जो उसने काउंट करके वापस वहाँ टांग दिए। ये चीज़ उसने रेड ट्रैप मेकर ने देख ली। अगली सुबह होती है, जैसे ही अगली सुबह होती है, मतलब कि वो पूरी रात उसे वहीं रोकता है। अगले दिन जब सुबह वो आपस में निकलते हैं अलग अलग रास्ते पर, तो जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो रेड ट्रैप मेकर थोड़ा आगे जाने के बाद वापस लौट के आता है उस झोंपड़ी में, और पीछे से एक खिड़की होती है, उसे तोड़कर वो जो पैसे थे उसके, जो उसने रखे हुए थे $30 चुरा के, वहाँ से चला जाता है। उसे अपनी इस स्किल पर काफ़ी ज़्यादा हंसी, मतलब खुशी होती है कि यार देखो मैंने ये कमा लिए पैसे। और वो रोड से जाने की बजाय जंगल की रोड से निकल जाता है, क्योंकि ताकि उसे कोई देख ना ले। लेकिन आगे जाते 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 जैसे ही जंगल आता है तो वो अपना रास्ता भटक जाता है। तो अब उसे लगता है कि मैं भी अब एक रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा जंगल में पूरी तरह फंस जाता है, और उसकी सांस भी अब फूलने लगती है। काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं, वो वहीं पर गिर जाता है। गिरने के बाद उसे आसपास आयरन पीटने की या लोहा पीटने की आवाज़ आ रही होती है। वो जैसे तैसे खिसक के आगे जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक आयरन मिल भी है। आयरन मिल का नाम था रेंज फॉर आयरन वोट, जहाँ पर मिस्टर आयरन स्मिथ और इसके उनके कुछ वर्क कर रहे थे। वहाँ पर वो जाता है और उनसे परमिशन लेता है कि वो क्या आज की रात वहीं रुक सकता है, और वो लोग उनसे हाँ कहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अक्सर सर्दियों में वहाँ पर कुछ गरीब लोग आते थे और रुककर अगले दिन चले जाते थे। लेकिन कुछ दिन बाद उस मिल फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो आता है, और वो जैसे ही रेड ट्रैप मेकर को देखता है तो उसे लगता है अरे ये तो मेरा वही बचपन का दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ा था। लेकिन वो मन में ही ये फील करता है कि यार देखो मेरे साथ का पढ़ा हुआ बंदा और मैं आज कहाँ हूँ और ये कैसी हालत हो गई इसकी। तो ये देखते हुए उसे क्रिसमस मनाने के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है। लेकिन जो रेड ट्रैप मेकर होता है वो ये सोचता है कि अगर मैं इसके साथ जाऊँगा तो मैं किसी और मुसीबत में ना फंस जाऊँ, मैं पकड़ा ना जाऊँ, उसके घर अंदर डर होता है, तो उसकी वजह से वो मना कर देता है। तो कुछ देर बाद जब वो जो आयरन मिल का जो मालिक था वो जब घर जाता है, तो वापस वो उसकी बेटी आती है उसको रेड ट्रैप मेकर को बुलाने, जिसका नाम था एडला विलियमसन।
तो वो उसको मनाती है क्रिसमस मनाने के लिए, तो वो रेड ट्रैप मेकर राजी हो जाता है और उनके साथ घर चला जाता है। जैसे ही वो घर चला जाता है तो उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है, उसको अच्छे से नहलाया जाता है, नए कपड़े दिए जाते हैं, उसकी शेविंग वगैरह सब कराई दी जाती है। जैसे ही उसकी शेविंग वगैरह सब कराई जाती है और जो हमारे उस मिल के मालिक थे वो उसे देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये वो दोस्त उनका नहीं है जो बचपन में उनके साथ पढ़ा करता था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कवि करने वाले होते हैं। लेकिन जो हमारा रेड ट्रैप मेकर था, रेड ट्रैप मेकर को मालूम था कि इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने आपकी बेटी के कहने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ, और अगर आप कहो तो मैं आपके सारे कपड़े अभी यहाँ पर देने को तैयार हूँ, जो पुराने मेरे कपड़े थे वो पहन के जाने के लिए राजी हूँ। इतनी देर में एडला विलियमसन जो उसकी बेटी थी वो वहाँ आ जाती है और वो कहती है, पापा को मनाती है अपने कि देखो क्रिसमस के दिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ये गरीब है और मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में एक दिन खुशी से जी ले, ठीक है। तो क्या होता है, इस वजह से उसके पापा भी राजी हो जाते हैं और वो क्रिसमस की रात वहीं पे रुकने के लिए रेडी कर लेते हैं। अगले दिन जो क्रिसमस के दो सुबह होती है, तो वो जो हमारे मालिक होते हैं और एडला विलियम्सन दोनों चर्च के लिए जाते हैं। चर्च में जाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि जो रेड ट्रैप मेकर है वही चोर है, यानी कि उन्हें ये मालूम पड़ जाता है कि आसपास जो चोरी हुई है वो रेड ट्रैप मेकर ने करी है। तो उसके पापा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और होते हैं और जो एडला होती है वो अफसोस से बैठ जाती है। जैसे ही वो लोग जल्दी जल्दी घर पहुँचते हैं, अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि वो जो रेड ट्रैप मेकर था वो कहाँ गया, तो वो बताता है कि वो वहाँ से अब जा चुका है। तो वो कहते हैं कि वो ही चोर था, वो कुछ चुरा के तो नहीं ले गया या कुछ भी, तो वो बताते हैं कि वो कुछ चुरा के नहीं ले गया बल्कि एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ के गया है। जैसे ही एडला वो गिफ्ट खोलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसमें एक रेड ट्रैप था, यानी कि एक चूहेदानी था और उसके अंदर 10-10 के 3 डोनर थे, ठीक है, यानी कि 30 डोनर वो छोड़ के गया था और एक लेटर भी लिख के गया था जिसमें एडला के लिए काफ़ी ज़्यादा थैंक्स था और उसने पूरी अपनी कहानी लिखी थी कि उसने वो पैसे कहाँ से चुराए और वो पैसे इसलिए छोड़ के गया था कि वो उसने जहाँ से वो पैसे चुराए आप उसे वहाँ पर वापस कर दो, और अपनी सारी कहानी बताता है और ये भी बताता है कि मैं एक ऐसा अच्छा इंसान नहीं बन पाता अगर मुझे कैप्टन समझ के मेरे को घर लाया नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यही है रेड ट्रैप की कहानी। अब मैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे